महिला बाल विकास गंगेव की परियोजना अधिकारी का कथित रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां के गंगेव ब्लॉक में पदस्थ ब्लॉक परियोजना अधिकारी का रिश्वत के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से महिला बाल विकास विभाग रीवा में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल ये वीडियो कब का है और किसने इसे बनाकर वायरल किया है, अभी तक इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कमाई के साधन बने हुए हैं। कुछ को तो छोड़ दें, अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ कमाई का जरिया बने हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र अक्सर बंद रहते हैं और कागजों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के लिए सुपरवाइजर ब्लॉक परियोजना अधिकारी नियुक्त होती है, उनसे भी बड़े अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी होती है। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच पड़ताल समय पर नहीं होने से आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही अनियमितता के लिए बड़े अधिकारी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनके कार्यकर्ता शहर में रहकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनकी नौकरी उनके पति या उनके रिश्तेदार करते नजर आते हैं। स्थानीय पंचायत और जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं देते, तो वहीं महिला बाल विकास विभाग गंगेव की परियोजना अधिकारी द्वारा कथित रिश्वत लेने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वहीं जब इस मामले में जिला कार्यालय अधिकारी ने बयान देने से मना किया है, तो अपर कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। परियोजना अधिकारी का एक महिला अधिकारी है, उनका वीडियो वायरल हुआ है रिश्वत लेते का। देखिए, इस तरह की कोई अधिकृत या ऐसी जानकारी कार्यालय के संज्ञान में नहीं है और जैसा कि हमारे विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार की कोई भी गतिविधि रिश्वत या अन्य प्रकार की चीजें कानूनी रूप से अवैध हैं, और यदि ऐसा कोई मामला पाया जाता हो, किसी भी विभाग का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, उसके द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत कोई इस तरह का दुराचरण या कदाचरण किया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।